मैं सुनील मेघवाल केसुराई पाटन में। आज केसुराई पाटन में बूंदी रोड चौराहे पर टी आकार का आरोप भी बन रहा था, लेकिन मेगा हाईवे पर इंदिरा कॉलोनी के पास खतरनाक घुमाओ थी। उससे पूर्व पहले ठेकेदारों द्वारा मिली बगस से 11 केवी कम्बे जो गलत लगाने की वजह से खतरनाक घुमा हो गई। इसके कारण अब ये आरोपी द्वारा कार्य में परेशानी आ रही है। अगर ये खंबे सीधे हो जाते हैं तो इसमें कोई परेशानी नहीं होगी, आसानी से घुमाओ को सीधा किया जा सकता है। ये पूरे इंदिरा कॉलोनी वास्ती इकट्ठा हुए हुए अब इनसे ही बात करेंगे क्या था पूरा मामला। मैं अमीन मंसूर, जिला बूंदी, थोड़ा पास में। 2010 से इस मोड़ को ख़त्म करने की सरकार से मांग चली। सार्वजनिक निर्माण ने पत्र भी जारी किए। अच्छा, उसके बाद आरोपी जो निर्माण हो रहा वो भी उसी दिशा में हो रहा। जबकि पूर्व में यहाँ पर 2 एक्सीडेंट आदमी मर चुके, 7 गायें एक दिन मरी, 2 ट्रक तेजी चबूतरे पलटे मारे। इतने आज सोने के बाद भी PWD विभाग इस मोड़ को सीधा करना नहीं चाह रहा। अभी मंत्री से बात हुई, उनके बाद उनका लेटर जो विभाग को मिला, रेड कॉर वाले इसको सीधा करने को तैयार है। बाकी RSU वाले ने पोल गलत लगा रखे हैं, ठेकेदार ने कहने के बावजूद 20 फीट आगे पोल खड़े कर दिए। अगर ये पोल सीधे हो जाते हैं तो रेड कॉर कंपनी इस मोड़ को सीधा कर देगी। बस्ती वालों की यही मांग है, अगर ये पोल जो आप देख सकते हो, मैं कैमरामैन से कहूँगा पीछे दिखा, ये पोल सीधे हो जाते हैं तो आसानी से घुमावों को सीधा किया जा सकता है। जनता न्यूज, सुनील मेघवाल, धन्यवाद। कैसे रहे पाटन? कट्टा हुए हो आप, एक किस कारण, क्या मांगे आपकी? या हमारी मांग तो ये है जो हमारी कॉलोनी जो घुमा हुआ रहा है, ये 2010 से महीने कई बार लेटर लिखा मंत्री जी को, वहाँ पे लेटर भी आ चुके हैं, तो घूम भी कारण है। कई बार यहाँ एक्सीडेंट हो चुके, 2-3 बार ट्रक भी पलट गए, 2-3 बार मोटरसाइकिल एक्सीडेंट भी हो चुका। ये मोड़ सीधा नहीं होगा, चक्का जाम कर देंगे। और अगर ये मोड़ सीधा नहीं हुआ तो हम यहाँ करेंगे चक्का जाम करेंगे, और इनकी सारी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। और ये जो तीन पोल आ रहे हैं, ये तीन पोल पास में आ रहे हैं, अगर ये 6 फुट भी अगर पीछे से जाए तो ये गुम सीधी हो सकती है। रेड कोर्ट द्वारा तैयार है वो।